इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर हमें किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना हो तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के, उनको इलेक्ट्रिक चार्ज देने के 6 तरीके होते हैं। देर आर 6 मैथड्स ऑफ चार्जिंग। आइए इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला मैथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड में हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा करने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट्स हमारे चार्ज हो जाते हैं। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हमें क्या करना होता है, किसी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच करना होता है। ऐसा करने से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे हमको चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं करना होता है, बिना टच किए ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और हमारा जो चौथा तरीका है वो है बाय थर्मायनिक एमिशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी मेटल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ऐसा करने से उस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं और जो बचता है एलिमेंट, रिमेनिंग मेटल जो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है और हमारा मेटल चार्ज हो जाता है। पांचवा जो तरीका है वो है बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, अगर आप किसी मेटल के सरफेस पर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाएं तो ऐसा करके भी उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाया जा सकता है और जो मेटल बच जाता है बाद में इजेक्ट होने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जो लास्ट और छठा मेथड हमारा जो है चार्जिंग का, वो है बाय फील्ड एमिशन। इस मेथड में हम किसी मेटल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसा करने से भी उस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं और हमारा मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। आइए अब इन मेथड्स को बारी बारी डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी हैट को अपने सर से अचानक से हटाते हो तो आपके बालों में चट चट की आवाज भी आती है और कुछ बाल हमारे इस तरह से यूं खड़े भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, जब आप किसी हैट को सडनली इस तरह से हटाते हो अपने सर से, तो बाल और हैट, इन टोपी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और ऐसा होने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बालों से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उतर के किस पे आ जाते हैं, हैट पर। इसलिए हमारी हैट हो जाती है नेगेटिवली चार्ज और हमारे बाल हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्योंकि सारे के सारे बाल पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं, इसलिए हमारे बाल फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, इस तरह से हमारे बाल चार्ज हो जाते हैं। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर्स देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट गेट ट्रांसफर्ड टू एटम्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होता है, एक बॉडी के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरी बॉडी के एटम्स के पास चले जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, व्हाई दिस हैपन्स। देखिए, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप अपने दो हाथों को भी रगड़ें तो आप पाएंगे कि हाथ गर्म हो जाते हैं। ऐसा ही तब भी होता है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं। रगड़ने से होता क्या है, रगड़ने से हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो उन दोनों मटेरियल्स को मिलेगी जिनको हमने रगड़ा था। लेकिन एक क्वांटिटी होती है जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है। उस मिनिमम एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब ये कुछ मटेरियल्स का कम होता है, कुछ का ज्यादा। जिनका वर्क फंक्शन कम होता है उनसे इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाले जा सकते हैं और जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा जतन करने पड़ते हैं।
तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, यही हीट एज अ वर्क फंक्शन काम आती है और एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं चार्ज। अब कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिवली चार्ज? देखिए, जिस मटेरियल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जिस मटेरियल के पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए, अगर किसी एक मटेरियल से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पर गए हैं तो होता क्या है, दूसरे के पास भी 5 ही आएंगे और पहले के पास 5 की कमी आएगी। तो अगर मैं बात करूं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स, ऐसा क्यों? देखिए, जब आप फ्रिक्शन से, बाय दिस मेथड, फ्रिक्शन वाले मेथड से जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करते हैं तो दोनों मटेरियल्स पे चार्ज आता है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, लेकिन दोनों ही पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इफ वन ऑब्जेक्ट लूजेस एक्स इलेक्ट्रॉन्स देन द अदर ऑब्जेक्ट गेन्स एक्स इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक ऑब्जेक्ट ने एक्स इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो ऑब्वियसली दूसरा एक्स ही तो गेन करेगा, इसलिए दोनों मटेरियल्स के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस फर्क इस बात का है कि एक पर चार्ज पॉजिटिव आता है और दूसरे पर नेगेटिव। आगे अगर हम बात करें, इज देयर एनी चेंज इन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हां, देखिए यहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है जो कि हम जानते हैं 9.1 × 10⁻³⁻¹ किलोग्राम, जो कि वैसे तो काफी कम है बट ये फिर भी डेफिनेट अमाउंट में है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है ऑब्वियसली उसका मास बढ़ेगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है उसका मास डिक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन सी बॉडी करती है, जो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो उसका मास बढ़ेगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ेगा, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है सो इसका मास डिक्रीज हो जाता है। आइए और कुछ बातें नोट करते हैं इसके बारे में। पहली बात, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बस, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे भी ये स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी बात अगर मैं नोट करूं, चार्ज इज ऑलवेज बाउंड विद मास, दैट इज विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। देखिए, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। ये हो सकता है कि किसी बॉडी पे नेट चार्ज जीरो हो, यानी कि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन हो, तो हम कहेंगे कि उस पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी बॉडी का मास तो है नहीं और फिर भी उस पे चार्ज है, क्योंकि चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो उसका मास हुआ इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, और चार्ज तो फिर उस पे आएगा ही आएगा। तो बिना मास के तो चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। तीसरी बात जो मैं यहां नोट करूंगा वो है, दोज पार्टिकल्स कैन नॉट बी चार्ज्ड हुज रेस्ट मास इज जीरो। देखिए, आप अभी आगे और पढ़ोगे फोटोन्स के बारे में, जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर स्टडी करेंगे तब हम फोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फोटोन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेस्ट मास जीरो होता है और इन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह से न्यूट्रॉन्स, इन पे भी कोई चार्ज नहीं होता। अब आइए कुछ पेयर्स की बात करते हैं। सम पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर गेट्स चार्ज्ड। मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात की और राइट हैंड साइड में नेगेटिवली चार्ज, यानी कि अगर मैं ग्लास रॉड और सिल्क के क्लोथ को आपस में रगड़ूंगा तो सिल्क क्लोथ ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर मैं कैट फर के साथ एबोनाइट की रॉड या किसी प्लास्टिक रॉड को रब करूं तो कैट फर से इलेक्ट्रॉन किनके पास चले जाएंगे, एबोनाइट की रॉड के पास या प्लास्टिक रॉड के पास, तो ये दोनों तो हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से अगर मैं उन्हीं कपड़े के साथ रबड़, एम्बर, एबोनाइट या प्लास्टिक इन सबको रगड़ूं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये लूज करेगा। ठीक है जी।
अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ चार्ज। देखिए बाय फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। मान लीजिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। मान लीजिए ए से बी में एन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट ए ये एन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। लूज कर रहा है तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और कितना, उतना ही जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इसी तरह से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितना, एन जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ये। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। नेचर ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को रब करूं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बात आती है कि इस मेथड से आप कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। इस मेथड से आप इंसुलेटर्स को तो बड़ा आसानी से चार्ज कर सकते हो। क्यों, यहां पे आप देख सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स को हाथों में पकड़ा गया है, देख रहे हैं आप, और ये दोनों ही कैसे हैं, इंसुलेटर्स। तो होगा क्या, रगड़ते ही एक पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और एक पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो होता हुआ हाथ पर नहीं जा सकता, इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज भी हाथ पर नहीं जा सकता, ये इसी जगह टिके रहते हैं चार्ज। ठीक है, द चार्ज ओनली चार्ज रिमेन ओनली ऑन द रब्ड पार्ट ऑफ द इंसुलेटर। ये जो चार्ज है ये केवल इस रब्ड पार्ट के ऊपर ही रहता है, ये यहां पर ही रहेगा, ये मूव नहीं करता बिल्कुल भी, ये वाला जो चार्ज है। इसलिए आप इंसुलेटर्स को तो इस मेथड से बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हो, लेकिन हम अगर हम बात करें कंडक्टर्स की तो आप इनको आसानी से चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, अगर आप किसी मेटल की रॉड को अपने हाथ में पकड़ करके चार्ज करने की कोशिश करें तो इस पर एक बार तो चार्ज आएगा। ये जो आप येलो कलर में नेगेटिव साइंस देख रहे हो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए इसके ऊपर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए तो होगा क्या, ये यूं फ्लो करते हुए सीधे हाथ पे आ जाएंगे और हमारी ये मेटल की रॉड फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। इसलिए अगर आप किसी मेटल को फ्रिक्शन वाले मेथड से चार्ज करना भी चाहते हो तो आप उसको पहले किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दीजिए, तभी ऐसा हो पाएगा। चार्जिंग का दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना होता है उनको आपस में टच करवा देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी सेम नेचर का चार्ज आ जाता है। ऐसा होता क्यों है जी, देखिए दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर ये जो डायग्राम बनाया इसमें देखिए जरा, फर्स्ट डायग्राम, इसमें मैंने एक चार्ज्ड मेटल का स्फीयर लिया है, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया। अगर आप देखें तो यहां पर इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसलिए रखा गया है ताकि ये जो चार्ज है ये लीक होता हुआ अर्थ में ना चला जाए। इसी तरह से दूसरा स्फीयर है बी, ये मेटल का ही स्फीयर है। अब हुआ क्या, इसको भी हमने मेटल सॉरी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, ये न्यूट्रल है पहले से, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ज्ड है ए और बी न्यूट्रल है। अब देखिए सेकंड डायग्राम में हमने इनको एक आपस में टच करवा दिया, टच करवाते ही क्या होगा, कुछ चार्ज बी पर आ जाएगा। असल में ए पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो बी ये मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, तो वो क्या करेंगे, बी से ए में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो बी पर भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाएगी, कमी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी आने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आ जाना। तो कॉन्टेक्ट में लाते ही हुआ क्या, ए से कुछ पॉजिटिव चार्ज बी पर आ गया। अब हम इनको सडनली थोड़ा थोड़ा एकदम से दूर कर देंगे दूसरे से, दूर करते ही क्या करेंगे, दोनों पर ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई अब, यानी कि ए भी, ए तो चार्ज पहले से ही था और इसका कुछ चार्ज किसके पास चला गया, बी के पास। तो यहां पर हमने इनको क्या किया, आपस में टच किया तब जाकर के ये चार्ज हुए। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, टच करके, कंडक्ट करवा के, टच करवा के चार्ज करना। वैल्यू ऑफ चार्ज,
अब इस मेथड से दूसरे ऑब्जेक्ट पर अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज आता है ये उसकी बात करते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर दे आर चार्ज बाय कंडक्शन डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते कि टच करते ही चार्ज आधा हो जाएगा या इतना चला जाएगा या उतना चला जाएगा। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना ट्रांसफर होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन अभी डिटेल में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए जिस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं उनमें से एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए गर्म है ज़्यादा ही और एक ठंडा है, तो होता क्या है टच करते ही कुछ हीट गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में भी चली जाती है, हीट का ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसी तरह से ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तब होता है जब उनमें पोटेंशियल का डिफरेंस हो, और जब चार्ज ट्रांसफर होने लग जाता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होने लग जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है तब दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है सेम, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता और चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। यानी कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ चार्ज की, तो देखिए इस मेथड से उसी नेचर का चार्ज दूसरी बॉडी पे आता है जिस बॉडी से हम उसको चार्ज कर रहे हैं। यानी कि अगर मैंने जैसे ए पॉजिटिवली चार्ज ली थी तो बी पर भी कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज ही आया था। इस मेथड से हम किस किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड? देखिए इस मेथड से आप केवल कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब कंडक्टर्स को क्यों? क्योंकि कंडक्टर होगा तभी तो चार्ज जो है एक मटेरियल से दूसरे में जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर्स में तो चार्ज फ्लो ही नहीं करता। तीसरे मेथड की अगर मैं बात करूं वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें तो हमें ऑब्जेक्ट्स को टच भी नहीं करना होता। तो ये कौन सा मेथड है? दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विद अ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर विदाउट बीइंग टच्ड बाय द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड में जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता है वो पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज कर रहा हूं तो दूसरी वाली पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज कर रहा हूं तो दूसरी वाली पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आइए इसको पहले थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं। स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले मेरे पास एक कंडक्टिंग मेटल का स्फीयर है, मैंने यूं ही इसके दो किनारों को नाम दे रखा है पी और क्यू। इसका लेफ्ट वाले फेस को मैंने नाम दिया है पी और राइट हैंड साइड वाले फेस को नाम दिया है क्यू। इसको भी मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों? क्योंकि इसको अभी हम थोड़ी देर में चार्ज करने वाले हैं, और वो चार्ज ग्राउंड में ना चला जाए फ्लो होता हुआ, इसलिए हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। आइए दूसरा डायग्राम देखिए। इसमें हमने क्या किया, इस मेटल के स्फीयर के पास हम एक चार्ज्ड रॉड लेके आए हैं। इस रॉड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, ये जो मेटल का स्फीयर आप देख रहे हो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि वो इसको छोड़ के चले जाएंगे, फ्री का मतलब है कि वो इस पूरे मेटल के स्फीयर के अंदर इधर उधर घूम सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे आप इस मेटल की रॉड को इस स्फीयर के पास लेकर के आओगे, स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, या यूं कह लीजिए ये जो रॉड है ये उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ये चाहती है कि मेरे खोए हुए इलेक्ट्रॉन वापस मेरे को मिल जाएं। और इसको सामने नजर आ रहा है ये मेटल का स्फीयर जिसके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होगा क्या, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पी वाले फेस के ऊपर यहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे, देख रहे हैं आप ये। और ये जो राइट हैंड साइड वाला फेस है क्यू, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की आ जाएगी कमी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। लेकिन देखिए अभी भी ये जो हमारा मेटल का स्फीयर है ये इस पर नेट चार्ज जीरो है,
नेट चार्ज जीरो क्यों? क्योंकि अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखूं तो दोनों सेम है। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, दोनों को ऐड करूं, तो टोटल जीरो ही आएगा। यानी कि अभी तक केवल चार्ज का पोलराइजेशन हुआ है। पोलराइजेशन का मतलब है चार्जेस को हमने बस इस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर सेपरेट कर दिया, उनके बीच में बस थोड़ा सा गैप ले आए, नेगेटिव चार्ज कर दिया इस तरफ और पॉजिटिव राइट हैंड साइड। आइए अब अगला डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम सी में हमने क्या किया, ये जो क्यू वाला फेस है हमारा, इसकी हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग मतलब एक मेटल की वायर ली और उसे सीधा धरती में गाड़ दिया ऐसे करके। अब ऐसा करते ही क्या होगा, देखिए अर्थ जो है ये कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और कितने भी इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकती है, लेकिन इसके चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही हम इस मेटल की वायर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थिंग करेंगे इसकी, तो होगा क्या, अर्थ देखेगी कि क्यू फेस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन होते हुए क्यू फेस पर आने लग जाएंगे और धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज हमारा जो यहां पर है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला चार्ज जो है पी फेस पर, जो है लेफ्ट साइड वाले फेस पर है, ये बाउंड है, ये इस रॉड से बंधा हुआ है, इसके अट्रैक्टिव फोर्स से ये यहां से नहीं हिलेगा। तो अर्थिंग करते ही इंस्टेंटली अचानक से क्या होगा, देखिए क्यू फेस पर जो पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, वो डिसअपियर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अर्थ से आकर के इस क्यू फेस पर एक्यूमुलेट हो गए। उन इलेक्ट्रॉन्स ने इस पॉजिटिव चार्ज को जो क्यू फेस पे था उसे खत्म कर दिया, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये यहां इकट्ठे के इकट्ठे रह गए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस मेटल के स्फीयर पे अब टोटल चार्ज आ चुका है, इस पे अब नेट नेगेटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन चार्ज अभी भी बाउंड है। बाउंड क्यों है, क्योंकि ये मेटल की रॉड, ये जो भी रॉड थी, मेटल या इंसुलेटर की जो भी थी पॉजिटिव चार्ज रॉड जो थी, उसे हमने अभी भी मेटल से दूर नहीं किया है, वो अभी भी इसके पास ही है। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है पी फेस वाला, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज अभी तक टिका हुआ है, यहां फ्री नहीं है इस पूरे मेटल के स्फीयर पे घूमने के लिए। लेकिन अब तक हमारा मेटल का स्फीयर वो हां नेगेटिवली चार्ज जरूर हो चुका है, अब उस पर चार्ज वैसे आ चुका है। अगला लास्ट डायग्राम अगर मैं देखूं तो इसमें हमने उस रॉड को, जो हमारी ये जो रॉड थी जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, उसको सडनली यहां से हटा दिया एकदम से। हटाते ही क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये जो बाउंड चार्ज था, ये अब यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से सारे गोले पर, मेटल के गोले पर ये फैल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए रॉड को हटाते ही अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैक्सिमम जितना एक दूसरे को दूर कर सकते हैं उतना दूर कर देंगे और हमारा मेटल का स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये था हमारा तरीका चार्जिंग बाय इंडक्शन, जस्ट दूर से ही चार्ज कर देना, टच ना करना। इसका एक और तरीका मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए अनादर मेथड, दूसरे तरीकों को समझते हैं। देखिए यहां पर फिर से अब की बार दो मेटल स्फीयर है हमारे पास, दोनों ही शुरू में अनचार्ज्ड हैं और दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे रखा हुआ है, शुरू में ही टच किया हुआ है इनको। अब हम लेके आए एक चार्ज रॉड इसके पास, ए वाले के पास, तो ए और बी से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होके यहां इकट्ठे हो जाएंगे और बी के राइट हैंड साइड वाले फेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, अब इन दोनों स्फीयर्स के बीच अचानक से थोड़ा सा गैप ले आएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप। ऐसा करते ही ये पॉजिटिव चार्ज अपना इसी जगह रह जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हमारा इस जगह रह जाएगा। अभी भी ए का ये नेगेटिव चार्ज और बी का ये पॉजिटिव चार्ज ये बाउंड है, ये फ्री नहीं है घूमने के लिए। क्यों, क्योंकि ए का जो नेगेटिव चार्ज है वो रॉड के पॉजिटिव चार्ज से बंधा हुआ है और बी का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रॉड का ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है। तो ये जो बी का पॉजिटिव चार्ज है वो राइट हैंड साइड वाले फेस पर ही रहेगा, वो इधर नहीं आएगा क्योंकि रॉड इसको रिपेल कर रही है, और हमारा ए का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहीं बना रहेगा क्योंकि ये रॉड इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो रॉड है इसको हटा देंगे। रॉड को हटाते ही क्या हुआ, रॉड को हटाते ही ये जो चार्ज था, ए के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे और बी पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पास पास आ जाएंगे,
पास पास क्यों, आप जानते हो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन अभी भी इनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये चार्ज फ्री अभी भी नहीं है। ए का नेगेटिव चार्ज और बी का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण अभी भी बाउंड हैं। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को बहुत दूर दूर कर देंगे। ऐसा करते अब ए का नेगेटिव चार्ज और बी का पॉजिटिव चार्ज ये फ्री हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दूसरे के ऊपर। अब बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ चार्ज। देखिए अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो अगर मैं किसी कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास लेकर के आऊं, तो इस मेथड से दोनों के ऊपर बराबर चार्ज आ जाता है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल इंड्यूस ऑन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो अगर मैं किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी इंसुलेटर के पास लेकर के आता हूं, तो इंसुलेटर के ऊपर जो चार्ज आता है कैपिटल क्यू, उसका ये फॉर्मूला होगा, यानी कैपिटल क्यू इक्वल्स टू एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल क्यू ब्रैकेट में 1 - 1/k। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिए, ये कैपिटल क्यू जो है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, यानी कि उस बॉडी पे जो चार्ज आया है ये वो बड़ा चार्ज है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए हमें पता है इस मेथड से अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। कैसे अपोजिट नेचर का, पहले मेथड में देख लीजिए आप चाहे, इसमें मैं रॉड जो लेकर के आया था वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, और फाइनली हमारे स्फीयर पे जो चार्ज आया वो आया नेगेटिव। दूसरे मेथड में भी जब मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड को पास लेकर के आया था, तो हमारे ए के ऊपर कैसा चार्ज आया था, नेगेटिव। तो इस मेथड से हम जो चार्ज इंड्यूस करते हैं वो अपोजिट नेचर का आता है। एक तरह से यहां पर ए ने बी पर चार्ज इंड्यूस किया है इस मेथड में, आप देख सकते हैं। कहीं ये ना समझें कि ये रॉड इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो बी पे भी तो पॉजिटिव ही आ रहा है, नहीं, ए पर चार्ज इंड्यूस किया है बी ने, सॉरी रॉड ने चार्ज इंड्यूस किया है ए पर, और ए ने चार्ज इंड्यूस किया है बी पर। सो इन केस ऑफ कंडक्टर्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल इंड्यूस ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, और अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो चार्ज का फॉर्मूला ये होगा। इस फॉर्मूले में कैपिटल क्यू क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, स्मॉल क्यू सॉरी नेगेटिव साइन ये अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल क्यू वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिससे हम दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, ये उसका चार्ज है, और के यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ चार्ज, देखिए इस मेथड से अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड, देखिए इस मेथड से आप दोनों ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हो, फिर चाहे वो कंडक्टर्स हो या चाहे वो इंसुलेटर्स हो। चार्जिंग बाय थर्मायनिक एमिशन, नेक्स्ट मेथड, थर्मायनिक एमिशन से ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना। थर्मायनिक एमिशन क्या होता है, देखो अगर आप किसी मेटल को बहुत ज्यादा हीट दे दो तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, और रिमेनिंग मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स की आ जाती है कमी, जिसे हमने यहां पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये था हमारा नेक्स्ट फोर्थ मेथड, चार्जिंग बाय थर्मायनिक एमिशन। अगला मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में भी 12th में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है। सो ये होता क्या है, देखिए जब किसी मेटल के सरफेस पर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, तो मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, वो लाइट से एनर्जी गेन कर लेते हैं, एनर्जी गेन करके वो मेटल के सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं, और रिमेनिंग मेटल सरफेस हमारा बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है मेटल के सरफेस से और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, जिससे हमारे मेटल के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लास्ट हमारा जो चार्जिंग का तरीका है वो है चार्जिंग बाय फील्ड एमिशन। देखिए अगर मैं किसी मेटल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में फिर बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन होता है जिसमें वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा पाता है, मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का उसका एरिया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो तो ये किसी मेटल से उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी इजेक्ट करवा सकती है,
ऐसा करते ही ये देखिए ये कैपिटल ई से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो इसके ऊपर अप्लाई की गई है मेटल के ऊपर। ये मेटल है हमारा ब्लॉक से जो मैंने यहाँ पर शो किया है। ऐसा करते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए मेटल से, तो हमारे मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ मेथड, चार्जिंग के मेथड।